हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास एट्थ की वर्कशीट नंबर थर्टीन जो कि सेकेंड ऑफ सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लेसन सुनामी का पार्ट वन तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग दी लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज़ अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिज़ास्टर्स लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट फोर और फाइव months एंड write द नेम्स ऑफ a प्लेस स्टेट where दीज नेचुरल डिजास्टर्स अगर तो हमें पिछले चार पाँच महीनों में कुछ डिज़ास्टर्स का सामना करना पड़ा है पर जिसके बारे में शायद हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई क्योंकि फिलहाल पैंडामिक की सिचुएशन चल रही है तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिखा रखी है और उन पैंडमिक्स के बारे में कुछ बताया हुआ है तो so, चलिए देखते हैं हमें क्या करना है फ्लड्स लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक्स आए हैं और हमें यह बताना है कि फ्लड्स कहाँ कहाँ आए हैं लैंड स्लाइड्स कहाँ कहाँ आए हैं एंड अर्थक्वेक किन किन स्टेट्स या किस प्लेस पे आए हैं इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर सुनामी ऑन ट्वेंटी सिक्स दिसंबर टू थाउजेंड फोर आ सुनामी हिट पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज दंडमान एंड निकोबार आईलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट एंड अ फ्यू मोर कंट्रीज तो देखिए 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी जिसके बारे में आप सभी शायद अवेयर होंगे और ये आई थी हमारी कंट्री के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास देखो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और इसके साथ साथ इसने तमिलनाडु कोस्ट को भी हिट किया था तो ये है तमिलनाडु और ये है इसका कोस्ट तो तमिलनाडु कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को इसने मेनली बहुत ज़्यादा हिट किया था अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमें एक पिक्चर में दे रखा है सुनामी इज़ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज बाय अर्थक्वेक अंडर द सी तो हमारे देखो कंट्री के पास में यहाँ पे एक सी है जिसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे सुनामी आई थी होता क्या है देखो इस समुद्र के अंदर जब हमारे जमीन पे अर्थक्वेक आती है तो हमें महसूस होती है वो यानी भूकंप जब इस समुद्र के अंदर यानी सी के अंदर अर्थक्वेक्स आती हैं तो इनके ऊपर जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा हिलने लग जाता है और इसकी वजह से ही ये जो वाटर है वो वेव्स के फॉर्म में लैंड की साइड आ जाता है और ये अलग अलग स्टेट्स और उनके लोगों को अफेक्ट करता है ठीक है यानी सुनामी का मेन रीज़न होता है कि सी के अंदर आने वाली अर्थक्वेक नेक्स्ट है कैन यू आइडेंटिफाई एंड राइट द प्लेसेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप तो ये है अंडमान एंड निकोबार एंड ये है तमिलनाडु ठीक है चलो मैं इनके नाम लिख देती हूँ तो देखिए यहाँ पे ए है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड बी है तमिलनाडु इसके अलावा फ्लड्स आए थे उड़ीसा में लैंड फ़िलहाल अभी हिमाचल प्रदेश में ही आई हैं और अर्थक्वेक मणिपुर में आया है इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार में भी अर्थक्वेक आ चुका है तो ये सारे प्लेसेस आप मार्क कर देंगे अपनी वर्कशीट में उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या दे रखा है देखो आगे क्या रखा है द सुनामी कॉज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल तो एक स्टोरी है इसको हम समझते हैं कि सुनामी में के समय लोगों के साथ क्या क्या हुआ और उन्होंने किस तरीके से खुद को सेफ रखा और क्या किया दी स्टोरीज़ आर ऑल फ्रॉम दी अंडमान एंड निकोबार आर पेलाजो इग्नीशियस वॉज दी मैनेजर ऑफ़ आ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन Kachhal. तो अंडमान एंड निकोबार में एक जगह है जिसका नाम है कच्हल वहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम है इग्नीशियस और वो वहाँ के किसी बैंक में कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक मैनेजर के रूप में काम करते थे ठीक है हिज़ वाइफ वो खेम अप एट सिक्स ए एम she शी फेल्ट earthquake. तो इग्नीशियस की वाइफ़ ने उन्हें सुबह छः बजे जगाया क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अर्थक्वेक आ रहा है Ignatius केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन दी ग्राउंड तो Ignatius ने सबसे पहले जो टेलीविजन था उसको टेबल से उठा के ज़मीन में रख दिया सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक जिससे कि वो टेबल से गिर कर टूट ना जाए देन द फैमिली rushed आउट ऑफ द हाउस और इसके बाद पूरी फैमिली घर के बाहर निकल गई जिससे वो सेफ रह सकें घर के गिरने से या दीवार के गिरने से उन्हें चोट ना लगे वैन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ दी राइजिंग जैसे ही अर्थक्वेक का ये जो एक्सपीरियंस था वो ख़त्म हुआ इतने में ही मतलब ट्रेमर होते हैं झटके तो जैसे ही झटके खत्म हुए इन्होंने देखा आस पास जो सी थी उसका लेवल राइज हो रहा है यानी पानी उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रेन कॉच होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देअर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर अब देखो इस अफरा तफरी में इस क्योस में एंड कन्फ्यूजन में इनके दो बच्चों ने क्या किया एक ने अपनी मम्मी के पापा यानी नाना का हाथ पकड़ा और दूसरे ने मामा का हाथ पकड़ा एंड रस्ट इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये भागने लग गए और ये इसलिए भागे जिससे अपने आप को ये सेफ़ रखें ही नेवर सॉ देम अगेन और उसके बाद ये बच्चे वापस अपने फादर से कभी नहीं मिले हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ड अवे और इनकी वाइफ जो थी इग्निशियस की वाइफ वो भी इन लहरों के साथ बह गई। ओनली द थ्री अदर चिल्ड्रेन हु केम विद हिम वर सेव्ड और इग्निशियस के साथ तीन बच्चे थे जो इग्निशियस के साथ ही आ गए थे वही सर्वाइव कर पाए हैं वही बच पाए हैं बाकी इनकी वाइफ इनके बाकी दो बच्चे इन नाना और मामा उनकी सभी की डेथ हो गई क्योंकि सभी इस वेव में बह गए संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कचहाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड ही सम हाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ अब यहाँ पे एक पर्सन है संजीव जो कि पुलिस मैन थे जो सेम एरिया में काम करते थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने आप को किसी तरीके से इन वेव से तो बचा लिया इफ़ हेज वाइफ एंड हेज़ बेबी डॉटर फ्रॉम द सेव्स इन्होंने खुद को तो बचा लिया अपनी वाइफ को भी बचा लिया और अपने बच्चे को भी बचा लिया मतलब इनकी पूरी फैमिली सेफ हो गई लेकिन बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्राम वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक पर इन्होंने तभी आवाज़ सुनी कि इनके जो कुक थे उनकी आवाज़ आ रही थी और वो चाहते थे कि इन्हें भी बचा लिया जाए संजीव जम्पड इन टू द वाटर टू रेस्क्यू बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे तो संजीव ने जंप किया कि वो बचा सकें किसी तरीके से इन जॉन की वाइफ को पर वो नहीं बचा सके और दोनों ही पानी के साथ बह गए थर्टीन ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ड अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स एंड सेव सेवेंटी सेवन अदर पीपल तो मेघना जो तेरह साल की एक लड़की है वो भी इन लहरों में बह गई और इसके साथ साथ दूसरे भी लोग सेवेंटी सेवन दूसरे लोग भी इस लहर में बह गए थे शी स्पेंड टू डेज फ्लोटिंग इन द सी और ये दो दिनों तक ये जो सी है उसमें फ्लोट करती रही तैरती रही होल्डिंग ऑन टूआ वुडन डोर और वहाँ पर लकड़ी का एक डोर था उसी को पकड़ कर ये किसी तरीके से अपने आप को इसने सुरक्षित रख रखा था एलेवन टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हैड बट दे डिड नॉट सी ह तो मेघना ने ग्यारह बार अपने आसपास रिलीफ हेलीकॉप्टर देखे और इसे लगा कि शायद इसको हेल्प मिल सकती है पर उन हेलीकॉप्टर में जो लोग थे उन्होंने मेघना को नहीं देखा शी वॉज ब्रॉड टू द शोर बाय अ वेव एंड वॉज़ फाउंड वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज़ तो एक दिन दो दिन बाद इसे लोगों ने देखा कि ये समुद्र के बाहर क्योंकि वेव के थ्रू ही ये समुद्र से बाहर ले आई गई थी और वहाँ पे चलती हुई लोगों को ये नज़र आई अब देखो यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ हैं जो कि हाँ बताई गई हैं कि सुनामी के बाद किसके साथ क्या हुआ किसने अपनी लाइफ को किस तरीके से सेव से किया और कितने लोग खुद को सेफ नहीं रख पाए तो इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके आंसर हम लिखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन है नाउ कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद दी हेल्प ऑफ पैसेज अबाउ तो हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है मेघना स्पेंट टू डेज ब्लैंक इन द सी तो मेघना दो दिनों तक सी में क्या करती रही थी तो फ्लोट कर रही थी तो फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ पे फ्लोटिंग ठीक है उसके बाद हम लिखेंगे शी सॉ रिलीफ़ हेलीकॉप्टर्स इसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स देखे कितनी बार एलेवन टाइम्स देखे बट दे डिड नॉट सी हर पर उन्होंने वापस इसे नहीं देखा नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट संजीव जम्प इन टू द वॉटर टू रेस्क्यू संजीव पानी में कूद गया था टू रेस्क्यू वाइफ ऑफ द गेस्ट हाउस कुक बट दे बोथ वर क्या हुआ था दोनों के साथ दोनों ही बह गए थे तो दे बोथ वर स्वेप्ड अवे तो फर्स्ट एंड सेकंड तो हमने सॉल्व कर लिया अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि है इग्निशियस कुड ओनली सेव हिज थ्री अदर चिल्ड्रेन हु केम विद हिम तो इग्निशियस सिर्फ तीन बच्चों को बचा पाया जो उसके साथ वहाँ पर आ गए थे नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज़ इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव तो संजीव के बारे में इन में से कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव उसके बाद हीरोइक एंड सेल्फलेस तो यहाँ पे आ जाएगा हीरोइक और यहाँ पे आ जाएगा सेल्फलेस क्योंकि रेस्क्यू करने के लिए संजीव पानी में कूदा था हालांकि वो उसे बचा नहीं पाया और वो खुद भी नहीं बच पाया पर ये जो उसने काम किया था वो बहुत ही बहादुरी का काम था हीरोइज्म का काम था और सेल्फलेस का काम था तो यहाँ पर हीरोइक और यहाँ पर सेल्फलेस वर्ड आप फिल कर देंगे तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू